व्यूवर्स, आज मैं आपको पकोड़े बनाना सिखा रही हूँ और ये पकोड़े आपने कभी नहीं खाए होंगे और इसकी रेसिपी बिल्कुल ही अलग डिफरेंट है जो आपने कभी बनाए नहीं होंगे। तो चलें फिर हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये। और यहाँ पे मैंने ये जो बेसन लिया है वो बेक पार्लर का लिया हुआ है। इसमें मैं डाल रही हूँ चावल का आटा 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, ये सब इसके अंदर जाएगा। नमक 1 टीस्पून डाला है। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, और सफ़ेद ज़ीरा लिया हुआ है, साबुत कुटा हुआ धनिया लिया हुआ है, हल्दी ली हुई है, तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर जा रही हैं। और यहाँ पे मैंने प्याज ली है लच्छे में काट के। जब आप पकोड़े तलते हैं तो वो लच्छे वाली प्याज बड़ी मज़े की लगती है उसमें। और हरी मिर्चें ली हुई हैं 3। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है हरा धनिया 3 टेबलस्पून, यहाँ पे पालक ली हुई है कटी हुई, और हरी प्याज ली हुई है, ये भी सब इसके अंदर जा रहा है। और बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग सोडा जो पकौड़ों के लिए होता है, वो मैं अभी नहीं डालूँगी। मैं जब पकोड़े फ्राई करूंगी जब मैं इसके अंदर ये चीज़ ऐड करूंगी। और अब इसका मिक्सचर अच्छा सा, मैं इसको पानी से, इसको हाथ से आप चाहें तो इसको आप कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा बेसन कम लग रहा है और मसाला थोड़ा सा, तो मैं इसमें 2 चम्मच और डालूंगी ताकि ये बैलेंस आ जाए इसका। ये देखें, अभी मैंने इसमें बेसन 1 टेबलस्पून वापस डाल दिया है। अब मेरा ये पकौड़ों का मिक्सर बैलेंस। अब मैं इसमें थोड़ा और मज़ीद पानी डाल के और इसके बाद इसको मैं इसका अच्छा सा बैटर तैयार करूँगी। आपको पकौड़ों का बैटर बताया था। अब मैं ये कप पकौड़े फ्राई कर रही हूँ, इफ्तार का टाइम होने वाला है तो हम मज़ेदार के पकौड़े अभी हम फ्राई कर रहे हैं। और ये जितने मैंने फ्राई किए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। और जब पकौड़े फ्राई कर लें तो ऊपर इसके ऊपर चाट मसाला डाल दें तो आपको खाने में और अच्छा मज़ा आएगा। तो ये हमारे बड़े बेहतरीन से, जो आपको मैंने बैटर बताया था, ऐसे ही पकौड़े हमारे क्रिस्पी से फ्राई हो रहे हैं। देखिए ये मेरे पकोड़े अच्छे से डार्क ब्राउन कलर आ रहा है, लाइट सा। आप ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। और जब ये गरम गरम आप खाएंगे तो आपको बड़े मज़े के टेस्टी पकोड़े लगेंगे। ये आप मेरी रेसिपी को बनाइएगा और आइंदा भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी ले आऊँगी।